देसी जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ सिर्फ 10 मिनट में करी लूज तड़का इडली। तो चलिए, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और एकदम सॉफ्ट, खाने में जैसा आप खाएंगे मुंह में घुल जाएंगे, तो उस तरीके से आज इडली बनने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक कप रवा ली हूँ मैं, बारीक रवा। तो हमें चाहिए थोड़ा सा, इसको जगह बना लेती हूँ फिर। और यहाँ पर एक कटोरी दही चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। और जो कटोरी थी दही की, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, इतनी ज़्यादा डिलीशियस टेस्टी बनती है इडली, रवा इडली। थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। अब इसको छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए, उसके बाद में फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अच्छे से हमारा ये रवा अच्छे से भीग चुका है। अभी इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे वो भी बता देते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक और पहले आधा कप पानी डालेंगे, देखते हैं कितना गाढ़ा होता है, उसके बाद में और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर बचा है और आधा कप, इतना नहीं डालना है। तो चलिए और थोड़ा इसको तड़का लगा लेते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसमें ऑयल डालती हूँ लगभग 10 से 20 ml। तो यहाँ पर अच्छा तेल गर्म हो चुका है, डालते हैं इसके अंदर ज़ीरा आधा चम्मच, उसके बाद आधा चम्मच राई। अब इसको जब तक चटपट आवाज़ आने तक इसको गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये चटपट हो रहे हैं। तो गैस बंद कर लेती हूँ, उसके बाद में कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद में उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। चलिए, जब तक उसमें सोडा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा है आधा चम्मच ली हुई मैं, इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा तड़का वो ठंडा हो चुका है, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए क्या लाजवाब लग रहा है हमारा करी लीव्स तड़के वाली इडली। अब ये परफेक्ट तैयार है इडली बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से होना चाहिए घोल हमारा। तो चलिए फटाफट इडली बना लेते हैं, देरी किस बात की। तो यहाँ पर इडली के सांचे को हम तेल लगा लेंगे। सबसे पहले छोटे प्लेट से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से निकल जाए चिपके ना, इसके लिए तेल लगाना पड़ता है। और इडली का पतीला भी रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए। और इस तरीके से चम्मच ले लेंगे, नाप अच्छे से मिल जाता है इसके लिए। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अभी पतीले में रख लेंगे।
अब इसको फुल फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। ढक्कन लगा देती हूँ, तो ढक्कन लगा देती हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो गाइस यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, गैस भी मैं अभी बंद कर चुकी हूँ। देखिए एकदम मस्त परफेक्ट तैयार है हमारी करली तड़के वाली टेस्टी इडली। तो इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर बाद में आपको मैं बताती हूँ। तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। गाइस देखिए इडली कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पर आपको मैं तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए इतनी सॉफ्ट, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट अच्छे बने हैं। सोचिए खाने में कितना डिलीशियस लगेंगे। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए, और लाइक जरूर करना मेरे चैनल को। अगर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और घर में आप ये इडली बनाना जरूर ट्राई करें। देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी और मजेदार बनती, और घर पे सबको ये पसंद आएगी इडली। तो गाइस देरी किस बात की, लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और एक मेरा दूसरा चैनल है सरताज व्लॉग्स, वो भी ज़रूर देखें। मुंबई में कहाँ कहाँ पर कपड़े होलसेल में सस्ते मिलते हैं वो सारा उसके अंदर मैं बताई हूँ, तो देखिए सरताज व्लॉग वो भी। तो टेक केयर, बाय।